हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलीज़ वेटनरी विजडम। दोस्तों, लाइव स्टॉक फार्मिंग भी हमारे देश में उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी पोल्ट्री फार्मिंग है। बहुत सारे लोग लाइव स्टॉक, डेयरी, गोट फार्मिंग, बफलो फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। तो पिछले कुछ टाइम से मैं पोल्ट्री पे ही वीडियोज़ बना रहा था और ये टॉपिक डेयरी का बिल्कुल छूट सा गया था। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं डेयरी के टॉपिक्स के बारे में, कमेंट सेक्शन में भी और वैसे भी मैसेज आते हैं। तो मैं एक मतलब अब डेयरी के लिए टेक्निकल सेशंस की वीडियोस मतलब शुरू कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिलेगा, मुझे लाइक्स वगैरह सब्सक्राइब्स बढ़ेंगे और शेयर बढ़ेंगे, तो इसमें और मोटिवेशन आएगा और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट सर्च करूँगा और आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आप लोगों का रिस्पांस डल रहा, आपके सजेशंस मुझे नहीं आए का, तो फिर बनाने का, वीडियो बनाने का या वो टॉपिक सर्च करने का मन भी नहीं करता है। तो अगर आप रिस्पांस अच्छा करेंगे तो आगे के कंटेंट जो मैंने सोचे हैं मतलब वो भी मैं बनाऊंगा। इसमें हेल्थ से रिलेटेड है, गाय या बकरी का ट्रीटमेंट, जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, कैसे किया जाता है, कौन सी दवाएं कैसे काम करती हैं, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वैक्सीनेशन का, कौन से वैक्सीनेशन ज़रूरी हैं, किस तरीके से करने चाहिए, और जो भी हेल्थ मतलब वाला पार्ट है वो भी देखेंगे, और साथ साथ न्यूट्रिशन को भी हम पूरा इसमें फॉलो करेंगे। दाना कैसे बनाया जाता है गाय का या भैंस का, एक्जोटिक काऊ की फीडिंग कैसे होती है, देसी काऊ की फीडिंग कैसे होती है, हीट मैनेजमेंट कैसे होता है। तो ये जब भी पॉसिबल होगा, जब आप रिस्पॉन्ड अच्छा करेंगे और अपने डेयरी के सर्कल में जो भी आप लोग देखें तो उसे शेयर कीजिए लोगों के साथ, बताइए उन्हें। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काऊ से, क्योंकि ये जो है ये एक बेसिक बिल्कुल फंडामेंटल टॉपिक है। अगर ये समझेंगे तो हम हेल्थ और पूरा न्यूट्रिशन और वो सब चीज़ें भी समझ पाएंगे, क्योंकि गाय का जो पेट है वो अलग किस्म का होता है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काऊ, पाचन तंत्र जो होता है हमारा, जहाँ जिसमें खाना पचता है वो किस तरीके का होता है वो हम इसमें देखेंगे। गाय जो है एक स्पेशल एनिमल है, क्योंकि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्पेशल होता है। हम जानते हैं कि जो भूसा है या घास है उसका कोई मेजर यूज़ नहीं है, सिवाय इसके कि उसे गाय को या भैंस को या बकरियों को खिलाया जाए। अब मैं जब वीडियो में गाय बोलूँगा तो गाय में सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, उसमें भैंस भी आप उसे माने और भेड़ भी और बकरी भी। तो मैं गाय कह के ही आपको इसमें बोलूँगा, लेकिन उसमें सभी जानवर आ जाएंगे जिनके अंदर र्यूमेन होता है। तो जो गाय होती है या बफलो होती है या गोट शीप कुछ भी है, वो फाइबर को यूटिलाइज़ करती हैं बेसिकली। ये जो स्ट्रॉ होता है, ये ग्रासेस होती हैं, इनके अंदर बेसिकली फाइबर होता है। अगर ये एनिमल फाइबर को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, घास भूसे को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, तो उसका और कोई यूज़ नहीं है और वो वेस्ट हो जाएगा। जो सेलुलोज होता है वो मेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है दुनिया में। जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, नेचर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, वो सेलुलोज होता है, और सेलुलोज इस फाइबर का हिस्सा होता है जो कि भूसे में या घास में या हरे चारे में मौजूद होता है। तो इस फाइबर का डाइजेशन किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। आप और हम या मुर्गी, कुत्ता या शेर, बिल्ली, ये कोई भी भूसा या घास नहीं खा के ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, लेकिन गाय या भैंस ये फाइबर खा के, भूसा खा के ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, और ये इसे कहते हैं र्यूमन। तो ये र्यूमन कहलाता है। अब हम देखते हैं, तो र्यूमन जो है वो स्पेशल फीचर है इन एनिमल्स का, और इन एनिमल्स को र्यूमिनेंट भी कहा जाता है। इस र्यूमेन के अंदर क्या होता है, ये भी अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से नहीं पचाते हैं भूसे या घास को, इनके अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया फाइबर को डाइजेस्ट करते हैं और एनिमल को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं उसके सर्वाइवल के लिए और प्रोडक्शन के लिए। तो काउज़ के अंदर जो बेसिक प्रोसेस होता है डाइजेशन का, वो फर्मेंटेशन होता है। दो तरीके के मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, एक होते हैं एरोबिक प्रोसेस, ठीक है, और एक होते हैं एनारोबिक।
एरोबिक का मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है उसे एरोबिक कहते हैं, और जहाँ पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं होता उसे एनएरोबिक कहते हैं। तो बैक्टीरिया जो मतलब मेटाबॉलिज्म करते हैं घास को या भूसे को पचाते हैं, तो वो फर्मेंटेटिव मेटाबॉलिज्म के थ्रू करते हैं। इन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है उस भूसे को या उस घास को पचाने के लिए, फाइबर को पचाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इन्हें ज़्यादा नहीं रहती है, तो उसे फर्मेंटेटिव प्रोसेस कहते हैं। तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो डाइजेशन बैक्टीरिया करते हैं उसे फर्मेंटेटिव डाइजेशन कहा जाता है। तो बैक्टीरियल डाइजेशन जो र्यूमन के अंदर होता है, मतलब जो र्यूमन मैंने बताया आपको, र्यूमन अभी हम आगे देखेंगे कैसा होता है, वो बैक्टीरिया र्यूमन के अंदर रहते हैं और ये जो डाइजेशन करते हैं र्यूमन के अंदर उसे फर्मेंटेशन कहा जाता है। तो काऊ के अंदर जो बेसिकली डाइजेशन हो रहा है उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और बैक्टीरिया आप जैसे दही जमाते हैं तो वो भी एक तरीके का फर्मेंटेशन है, या बायोगैस बनाते हैं उसके अंदर गोबर जाता है वो भी फर्मेंटेशन है, या लिकर बनता है मतलब जो अल्कोहल बनता है या शराब बनती है वो भी फर्मेंटेशन से बनती है। बेसिकली बैक्टीरियल डाइजेशन जहाँ पे भी होता है तो बैक्टीरियल डाइजेशन को फर्मेंटेशन कहा जाता है। अब ह्यूमन को अगर आप लें या चिकन को या डॉग को लें, तो इसके अंदर जो डाइजेशन होता है ना, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू होता है। डाइजेशन को एंजाइमेटिक डाइजेशन कहते हैं, और गाय भैंसों के अंदर ये फर्मेंटेटिव डाइजेशन कहलाता है, या बैक्टीरियल डाइजेशन भी इसे कहते हैं। तो फर्मेंटेटिव डाइजेशन जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है ग्लैंडुलर डाइजेशन से। मतलब जो मान लीजिए आपने आज चारा खिलाया अपनी गाय को या भैंस को, तो वो लगभग 3 दिन बाद गोबर में आता है, इतना स्लो होता है। और अगर आप जैसे ह्यूमन है या डॉग है, उनके अंदर जो खाने का पैसेज है वो बहुत फास्ट होता है और 1 दिन भी खाना अंदर नहीं टिक पाता है, और वो फीसीज में लगभग 12 से 14 घंटे के अंदर आ जाता है। तो फर्मेंटेटिव डाइजेशन जो होता है वो स्पेशलाइज कंपार्टमेंट्स में होता है, और इन कंपार्टमेंट्स को क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये जो पार्ट होता है इन्हें फोर स्टमक कहा जाता है। फोर का मतलब पहले, स्टमक का मतलब उसका जहाँ पे खाना पचता है। हमारी भी स्टमक होती है, हम खाना खाते हैं स्टमक में जाता है। तो इन वाले एनिमल्स के अंदर, गाय भैंसों के अंदर, उस स्टमक से पहले कुछ पार्ट होता है उसे हम फोर स्टमक कहते हैं। तो टेक्निकली जो फोर स्टमक है इसके 3 पार्ट होते हैं, एक र्यूमन होता है जो सबसे बड़ा रहता है, फिर रेटिकुलम होता है और ओमैसम होता है। ओमैसम के बाद एबोमैसम आता है। एबोमैसम और स्टमक, हमारा स्टमक और एबोमैसम एक जैसे ऑर्गन है, लेकिन हमारे अंदर र्यूमन रेटिकुलम ओमैसम नहीं मिलता है। तो एबोमैसम जो होता है वो फोर्थ स्टमक होती है, और इसे ही हम टू स्टमक कहते हैं, जिसके अंदर हमारी तरह एंजाइम सिक्रेट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में एंजाइम सिक्रेट होते हैं, इसी तरीके से गाय के एबोमेसम की में भी वैसे ही एंजाइम सिक्रेट होते हैं, और फिर वो अलग तरह का डाइजेशन होता है। तो जो लार्जेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है फोर स्टमक का, वो क्या है, वो आपका र्यूमन है। और ये क्या करता है, विच कैरी आउट दी मेन डाइजेशन इन काउज़। तो जो फाइबर जा रहा है अंदर, भूसा चारा हरा चारा वगैरह जा रहा है, तो इसका जो मेन डाइजेशन होता है काउस के अंदर वो र्यूमन में होता है, ठीक है। और किस कौन डाइजेस्ट करते हैं, बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं, और इस डाइजेशन को क्या कहा जाता है, फर्मेंटेटिव डाइजेशन या फर्मेंटेशन। तो र्यूमन के अंदर ये कौन करता है, इसके अंदर मतलब अरबों खरबों बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया ये डाइजेशन करते हैं, और कुछ प्रोटोजोआ भी रहते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब ये इन्हें वैसे आँखों से आप नहीं देख सकते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देते हैं, इतने छोटे होते हैं ये। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इतनी तरीके के र्यूमन बैक्टीरिया होते हैं जो कि र्यूमन के अंदर पाए जाते हैं और फर्मेंटेशन करते हैं। तो इनकी खूब सारी डाइवर्सिटी होती है, आप देख सकते हैं, सेलुलोलाइटिक बैक्टीरिया। अच्छा, जो पार्ट होते हैं ना प्लांट के, सेलुलोज होता है उसमें, फाइबर भी एक मतलब उस एक तरीके का नहीं होता है, उसमें कई सारे अलग अलग पॉलीमर्स होते हैं, जैसे सेलुलोज है, इनके सबके बेसिक स्ट्रक्चर, बायोकेमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, जैसे पैक्टिन है, और अमाइलोलाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, अमाइलोज वगैरह जो स्टार्च के अंदर प्रेजेंट रहती है, या यूरिया प्रेजेंट रहता है, कुछ मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, शुगर यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्रोटियोलाइटिक होते हैं, कुछ अमोनिया प्रोड्यूसिंग होते हैं,
लिपिड को यूटिलाइज़ करते हैं, जो आप तेल दे मतलब उसे पिलाते हैं उसे डाइजेस्ट करते हैं। तो कई तरीके के ये बैक्टीरिया होते हैं और इनका काउंट कितना होता है, 10^10 से लेके 10^11 सेल्स पर ग्राम ऑफ इनजेस्टा, मतलब इतना ज़्यादा बैक्टीरिया उसके अंदर मौजूद रहता है। और 28 तरीके की फंक्शनली इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं। फंक्शनली इम्पॉर्टेंट का मतलब है जो अलग अलग चीज़ें आप उसे खिला रहे हैं गाय को या भैंस को, तो वो अलग अलग उसे डाइजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट ये है जानने वाली कि जैसे आप मान लीजिए उसे मक्का का चारा खिला रहे हैं या साइलेज खिला रहे हैं, आपके पास साइलेज ख़त्म हो जाता है, तो मक्का के साइलेज को मान लीजिए बैक्टीरियोइडिस सक्सिनोजेंस उसे डाइजेस्ट करता है। तो अगर साइलेज खिला रहे हैं तो इसकी पॉपुलेशन बढ़ी हुई रहेगी, लेकिन उसके अंदर हेमोसेलुलोज का कंटेंट कम रहता है, तो ब्यूटायरोविब्रियो या बैक्टीरियोइडिस रूमिनोकोला ये वाले स्पीशीज़ इसमें कम होंगी, क्योंकि वो साइलेज को पचाने के लिए नहीं चाहिए। अब साइलेज से आप तुरंत मान लीजिए बाजरे के चारे के ऊपर आ जाते हैं या आप उसे भूसा देने लगते हैं क्योंकि आपके पास साइलेज ख़त्म हो गया है, तब इनडाइजेशन हो जाता है, क्योंकि ये वाला बैक्टीरिया जो जिसकी पॉपुलेशन पहले ज़्यादा थी वो भूसे को नहीं पचा सकता है। भूसे को पचाने के लिए आपको मतलब वहाँ दूसरे बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट है। इसी वजह से कहते हैं जब भी आप चारे को चेंज करें तो आप धीरे धीरे चेंज करें, ताकि उन बैक्टीरिया को जो उसे पचाते हैं धीरे धीरे उनकी उन्हें अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने का मौका मिले। अदरवाइज़ ये आपके लिए, आपके प्रोडक्शन के लिए और काऊ की हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो ये बैक्टीरिया होते हैं इनसाइड र्यूमन। इसी तरीके से प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ बैक्टीरिया से थोड़े से अलग होते हैं। एक तो इनका नंबर कम होता है, लगभग बैक्टीरिया के आधे होते हैं, आप इसमें देख भी सकते हैं यहाँ पर, और इनका साइज़ भी अलग अलग होता है, लेकिन जनरली इनका साइज़ बैक्टीरिया से ज़्यादा होता है। और अगर इस इनके मास को कंपैरिजन करें, इनके वेट को कंपैरिजन करें, तो बैक्टीरिया भले ही लार्ज क्वांटिटी में हो, लेकिन अगर इनका मास देखा जाएगा तो वो लगभग इक्वल रहता है। और प्रोटोजोआ क्या करते हैं ना, अगर बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं उसके अंदर तो उन्हें इंजेस्ट भी कर लेते हैं, उन्हें खा लेते हैं, तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को ये कंट्रोल करके रखते हैं। और एक इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि जैसे आप गेहूं खिला रहे हैं, गेहूं के अंदर जो स्टार्च होता है उसका बायोकेमिकल स्ट्रक्चर अलग होता है फाइबर से जो भूसे के अंदर होता है, तो जो गेहूं के अंदर होता है वो जल्दी पचने की क्षमता रखता है, उसका डाइजेशन ईजिली हो जाता है। तो जब हम उसे खिलाते हैं तो थोड़ा सा स्टार्च या प्रोटीन जो है ना वो प्रोटोजोआ अपने अंदर एनगल्फ करके उसे सेफ कर लेता है, सिक्योर कर लेता है, तो जल्दी से उसका एसिड नहीं बन पाता र्यूमेन में। तो प्रोटोजोआ की अगर पॉपुलेशन हेल्दी है, मतलब अच्छी पॉपुलेशन है, तो अगर आप ज़्यादा उसे गेहूं वगैरह या ये सब खिला देते हैं तो एसिडोसिस के चांसेस, अपहारे के चांसेस कम होते हैं। इसी वजह से क्या कहा जाता है कि जब भी आप अगर ये दाना या कंसनट्रेट बढ़ा रहे हैं गाय भैंसों में, तो धीरे धीरे करके बढ़ाएं, ताकि प्रोटोजोआ की पॉपुलेशन उसे कंट्रोल करने के लिए एडजस्ट हो सके। तो ये फीड एडेप्टेशन में बेसिकली हेल्प करते हैं। हालांकि ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं जिसमें से प्रोटोजोआ की पूरी पॉपुलेशन ख़त्म कर दी गई है और देखा कि डाइजेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो डाइजेशन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब चेंज होता है, मतलब फीड को हम चेंज करते हैं अचानक से, तब इनकी इम्पोर्टेंस हमें मालूम पड़ती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैं बता रहा था, मुर्गी के अंदर सिंपल स्टमक होती है, ये उसकी इसोफेगस है, यहाँ से खाना जाता है, यहाँ पे क्रॉप है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वो जमा होता है, उसके बाद ये प्रोवेंट्रिकुलस है, फिर ये गिजार्ड आता है। प्रोवेंट्रिकुलस और सिंपल स्टमक, मतलब जो हमारी स्टमक है वो एक ही है, तो ये सिंपल स्टमक एनिमल कहलाते हैं। इसके बाद ये ड्यूओडेनम है, ये इधर लीवर आ जाता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर यहाँ से बाहर आ जाता है जो उसकी फीसिस होती हैं। गाय के अंदर क्या होता है कि गाय अपना खाना खाती है, यहाँ से जाता है वो उसके अंदर, और ये फिर र्यूमन में पहुँचता है सीधा, और र्यूमन में ये यहाँ पर रहेगा, फिर र्यूमन से में डाइजेस्ट होता रहेगा, मतलब कम से कम 24 से 36 घंटे यहाँ डाइजेस्ट होता है। उसके बाद ये ओमेसम में जाता है, ओमेसम से एबोमेसम में, और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और फिर ये यहाँ से धीरे धीरे बाहर चला जाता है। तो अल्टीमेटली इधर ही रेटिकुलम भी होता है, रेटिकुलम भी र्यूमन का पार्ट है, भी बताऊंगा उसका फंक्शन क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि गाय के अंदर ये कितना कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर से तो यहाँ गया और सीधा यहाँ पे बाहर आ गया।
मुर्गी जो दाना खाती है वो 1.5 घंटे के अंदर इस पैसेज में पूरा निकल जाता है, लेकिन गाय जो खाएगी इसे 3 दिन लगते हैं यहाँ से यहाँ पर पहुँचने में, गोबर बनने में। अब आप देखिए र्यूमेन का स्ट्रक्चर, ये इसोफेगस है। इसोफेगस मतलब यहाँ से दाना आता है जो भी चारा खाएगा। उसके बाद ये रेटिकुलम है इधर की तरफ, ये र्यूमेन है यहाँ पर, ये ओमेसम है और एबोमेसम है। ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए लग रहे हैं, लेकिन जब हम इसे अभी आगे देखेंगे तो समझ में आएगा कि पहले यहाँ से चारा इसमें जाता है, यहाँ पे पचता है, फिर वो ओमेसम में आता है, फिर एबोमेसम में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो है आपको दिख रही है यहाँ पे, ये र्यूमन जो है ना, ये वाला पार्ट है, ये रूमन अंदर से ऐसा दिखाई देता है जैसे तौलिया टाइप से होता है। ये रेटिकुलम है, रेटिकुलम हनीकॉम जैसे छत्ता होता है ना मधुमक्खी का, ऐसा लगता है। और ये ओमेसम है, और ओमेसम में कुछ लीव्स पत्ती जैसी निकली रहती है। इसका काम बेसिकली ये होता है कि ये पानी को सोखता है ज़्यादा, मतलब लिक्विड डाइजेस्टर को इंटेस्टाइन में नहीं जाने देता। अब राफ्ट समझिए, राफ्ट क्या है। जब यहाँ से चारा अंदर जाता है तो चारे के अंदर कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं और कुछ स्मॉल साइज़ के होते हैं। तो जो स्मॉल साइज़ के पार्टिकल होते हैं ना वो तो नीचे आ जाते हैं, जो लिक्विड होता है वो नीचे रहता है। जो बड़े साइज़ का लॉन्गर टाइप का जो फॉरेज पार्टिकल होता है वो बीच में आ जाता है, जिसे राफ्ट कहते हैं। और जो गैस होती है वो जाहिर सी बात है ऊपर जाती है, यहाँ पे ये गैस कैप होता है, गैस ऊपर ट्रैप हो जाती है। अब ये घूमता कैसे है, इसका जो घूमने का है ना, मतलब र्यूमन में जाके ये ऐसे ही नहीं पड़ा रहता है, र्यूमन कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। और जब र्यूमन कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये अपने आप यहाँ पे घूमता रहता है और पचता रहता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना एरो बने हुए हैं, इस तरीके से घूमता है और ये यहाँ पर पचता रहता है। और ये इस तरीके से राफ्ट उल्टी दिशा में घूमता है। तो होता क्या है कि जब र्यूमन के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ना, ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करता है। जब यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये गैस का जो बबल है ये आगे की तरफ जाता है, आगे की तरफ जब जाता है यहाँ पे, तो यहाँ के जो स्फिंक्टर्स होते हैं ना जो पर्पल दिखाई दे रहा है, इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर गैस है और यहाँ से ये फिर बाहर निकल जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की साइकिल र्यूमन में चलती रहती है, और जो एनिमल है वो यहाँ से बाहर अपनी जो गैस है वो निकालता रहता है। अगर ये गैस ना निकाल पाए तो अफारा हो जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट, इसका र्यूमन हेल्थ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, अगर र्यूमन हेल्थ को आपने समझ लिया और इसे कंट्रोल करना आपको आ गया, तो आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल मतलब डेयरी फार्मर या गोट फार्मर, बफेलो फार्मर बन सकते हैं। अब फ्रोथी ब्लोट क्या होता है, मान लीजिए आपने अपने एनिमल्स को लेग्यूम्स खिलाए, जैसे बरसीम वरसीम होती है ना, या ओस पड़ी रहती है जिनके ऊपर ठंड के मौसम में, वो वाला चारा अगर हम इन्हें दे देते हैं तो क्या होता है ना कि ये जो गैस है यहाँ पर, ये गैस ना रह के बबल्स बन जाते हैं, मतलब एक झाग सा बन जाता है। और पता है, और हम लोगों को पता है कि झाग में से एयर का निकलना कितना मुश्किल होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है र्यूमन, तो ये वाला जो स्फिंक्टर होता है, इसे ज़रूरी ये है कि यहाँ पर इसे सूखा महसूस हो, मतलब जब गैस आएगी तो सूखा होगा तब ये खुलता है। अगर इसे गीला ही महसूस होता रहेगा तो ये खुलता नहीं है, तो इरेक्टेशन नहीं हो पाता, वो जो गैस है वो इरेक्ट नहीं हो पाती है। तो यहाँ से जब ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है तो यहाँ पे सामने भी इसके झाग आ जाते हैं, जब झाग आते हैं तो ये खुल नहीं पाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या कहलाती है, अफारे की कंडीशन कहलाती है, कि ब्लोट हो गया है। ब्लोट को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ क्या प्रॉब्लम आती है कि ये र्यूमन इन्फ्लेट होता रहता है, इसके अंदर गैस बनती रहती है और ये फिर रेस्पिरेशन से इंटरफेयर करती है, सांस नहीं ले पाता है एनिमल और मर भी जाता है। तो ज़रूरी हमें यह है समझना, आगे जब इसका ट्रीटमेंट की कोई वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा कि किस तरीके से इसे तोड़ा जाता है ब्लोट को या फारे को, लेकिन यहाँ पर आप ये समझ लें कि ये झाग बन जाते हैं और ये झाग इसे खुलने नहीं देते हैं, यहाँ से गैस को बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो इस तरीके से ये फ्रोथी ब्लोट होता है। इसी तरीके से रिगर्जिटेशन होता है। रिगर्जिटेशन का क्या मतलब होता है, जो एनिमल जुगाली करता है ना वो एक पार्ट होता है इसकी फिजियोलॉजी का। जब जुगाली
करने की बात होती है, तो राफ्ट जो होता है ना, राफ्ट से ये ऊपर जाता है ये मटेरियल, क्योंकि ये कोर्स है, मतलब इसके पार्टिकल बड़े हैं, इसे दोबारा चबाना होता है उस एनिमल को। तो ये जब चबा लेता है काफ़ी टाइम से, फिर ये आके ह्यूमन लिकर का पार्ट बन जाता है। तो राफ्ट ऊपर जाता रहता है, उसे एनिमल चबाता है और नीचे आके ह्यूमन लिकर का पार्ट हो जाता है। तो ये साइकिल चलती रहती है, एक बार गैस निकलती है और एक बार कट च्यूइंग होती है, मतलब जुगाली के लिए राफ्ट ऊपर जाता रहता है। अब आप यहाँ पे देखिए र्यूमन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। र्यूमन का जो ये लार्जेस्ट कंपार्टमेंट है हम देख चुके हैं, और इसके जो पेपिले हैं ना, मतलब इसके ऊपर जो ये नोकीले नोकीले निकले हुए वो दिख रहे हैं आपको, जैसे तौलिया के ऊपर ये शैक कारपेट होते हैं, आपने देखे होंगे, जिसके ऊपर हम पैर पोछते हैं, इस टाइप के ये र्यूमन बॉल के अंदर से निकले होते हैं, और इनकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। इसमें क्या होता है कि ये र्यूमन पेपिले जो जो नया बछड़ा होता है उसके अंदर एब्सेंट होते हैं ये। धीरे धीरे जैसे जैसे काफ बड़ा होता है, उसके अंदर र्यूमन डेवलप होता है, तो र्यूमन पेपिले भी बढ़ते चले जाते हैं। अब इनकी जो लेंथ होती है और डेंसिटी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये ही डिटरमाइन करती है र्यूमन की हेल्थ कैसी है और वो कितना डाइजेशन कर पाएगा। मतलब उस अगर र्यूमन की र्यूमन पेपिले की लेंथ मतलब ठीक है, ऑप्टिमम है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसे भूख ज़्यादा लगती है, ज़्यादा दाना चारा खाता है, एफिशिएंटली उसे यूटिलाइज करता है और प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो कई सारी कंडीशन और स्टेजेस होती हैं लाइफ में जो कि र्यूमन पेपिले की हेल्थ को डिटरमाइन करती हैं। अब वो कंडीशन क्या है, ये बात आप नोट कर लें, गांठ बांध लें, लिख लें अपने नोट्स में, कि जो गुड क्वालिटी का फीड होता है ना, वो तभी यूटिलाइज होता है जब बैक्टीरियल पॉपुलेशन र्यूमन की हेल्दी होगी, अच्छी होगी, और वो हेल्दी होगी तो पेपिले अच्छे होंगे, और पेपिले अच्छे होंगे तो र्यूमन की हेल्थ अच्छी होगी। अब जो नया पैदा हुआ बछड़ा होता है उसके अब जो नया पैदा हुआ बछड़ा होता है उसके अंदर ना तो र्यूमन डेवलप हुआ होता, और ना ही उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, और ना ही र्यूमन पेपिला होते हैं। लेकिन ये सब डिपेंड किस पे करता है, जब हम उसे थोड़ा थोड़ा भूसा या हरा चारा देना शुरू करते हैं ना, धीरे धीरे उसका र्यूमन डेवलप होना शुरू होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, और वो बैक्टीरिया जब बढ़ते हैं तो र्यूमन पेपिले का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। उस र्यूमन पेपिले के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी खुराक होती है वो ब्यूटायरेट होता है, वो एक तरीके का वॉलेटाइल फैटी एसिड है, और सिर्फ ब्यूटायरेट ऐसा है जो कि र्यूमन पेपिले की को बढ़ने में मदद करता है, उसकी हेल्थ को बना के रखता है। और ब्यूटायरेट सिर्फ बैक्टीरिया बना सकते हैं एक पर्टिकुलर, जब उन्हें डाइट दी जाती है। तो र्यूमन की है इपिथीलियम की हेल्थ डिपेंड करती है ब्यूटायरेट का, कि मतलब जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, और ब्यूटायरेट का कंसंट्रेशन जब अच्छा होता है जब ब्यूटायरेट बनाने वाले बैक्टीरिया अंदर अच्छी तादाद में मौजूद हों। तो वो वाली डाइट जो कि ब्यूटायरेट प्रोडक्शन को मतलब बढ़ाए, वो र्यूमिनेंट जो होते हैं, मतलब जो छोटे काफ होते हैं, उनके र्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। और ब्यूटायरेट जो बनता है वो मेनली ग्रेन से बनता है, उसे अगर हरा चारा ज़्यादा देंगे या भूसा ज़्यादा देंगे तो उससे इतना वो नहीं, उस पर इम्पेक्ट आता। तो ब्यूटायरेट को बेसिकली जो ग्रेन्स होती हैं, जैसे गेहूं वगैरह है, चोकर है, या फिर मक्का है, तो जो कंसंट्रेट फीड है या काफ स्टार्टर है, वो ब्यूटायरेट को ज़्यादा बनाने में हेल्प करते हैं बजाय फॉरेज के, मतलब हरा चारा या भूसे वगैरह के। भूसा क्या करता है कि भूसा जाएगा वो स्टिमुलेट करता है मतलब उसकी वॉल को, तो उससे कॉन्ट्रैक्शन अधिक से अधिक होते हैं। तो एक भूसा का अपना वैल्यू है, लेकिन जो ह्यूमन पेपिले की हेल्थ है वो ब्यूटायरेट से ही बनती है। इसी वजह से क्या है कि कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आने लगे हैं, ब्यूटायरेट सप्लीमेंट्स कहते हैं, काफ्स के लिए, जो कि उनके र्यूमन की को के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जल्दी से उनका र्यूमन को डेवलप कराने में मदद करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो फॉरेज डाइट पे अपनी लाइफ में जल्दी फॉरेज डाइट पे आ जाते हैं और उसे यूटिलाइज़ करने लगते हैं। तो अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ब्यूटायरेट की बहुत इंपॉर्टेंस है। और कैमिन एक कंपनी है, वो बनाती है, ब्यूटी पर्ल नाम से एक आता है प्रोडक्ट, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं काफ स्टार्टर्स वगैरह में। दूसरा क्या है कि अगर आप सडन एक्सेस कर देते हैं ग्रेन डाइट में, जैसे क्या होता है कि कई बार बकरी फार्म्स में या आपके यहाँ गाय के फार्म में भी,
अगर आप तुरंत उसे बहुत ज़्यादा ज़्यादा ग्रेन दे देंगे, या आपके यहाँ कोई रोटी आ गई है, आपने रोटी उसे बहुत ज़्यादा खिला दी, तो उससे एसिड प्रोडक्शन होता है, लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगता है। लैक्टिक एसिड क्या करते हैं, वो स्लफ़ कर देते हैं, मतलब पेपिले की हेल्थ के लिए, पेपिले की इंटीग्रिटी के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उससे स्लफिंग हो जाती है। या आप पुअर क्वालिटी का या हार्ड क्वालिटी का स्ट्रॉ इस्तेमाल करते हैं, जैसे चावल का भूसी, भूसी वगैरह जो होती है, जो कि पोल्ट्री के लीटर में काम आती है, इसकी मिलावट की जाती है कई बार कंसनट्रेट में, जो सस्ती क्वालिटी के कंसनट्रेट होते हैं। तो या वुडी कंटेंट अगर एनिमल खाता है, तो वो क्या करता है, वो भी जाके र्यूमेन की इपिथीलियम को डैमेज करता है, जिससे डाइजेशन डाउन होता है और गाय का प्रोडक्शन भी आपका डाउन हो जाएगा। तो र्यूमेन की हेल्थ को बना के रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और र्यूमेन पेपिले को समझना आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। एक चीज़ होता है जैसे प्रेग्नेंट काओ होती है, जब वो प्रेग्नेंट काओ अपनी लास्ट स्टेज में पहुंचती है, आखिरी के 3 महीनों में, तो जो फीटस होता है उसका साइज़ बहुत तेज़ी से बढ़ता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है लास्ट के 3 महीनों में। जब वो बढ़ने लगता है ना, तो यूट्रस जो है प्रेशर बनाता है र्यूमेन के ऊपर, र्यूमन का साइज़ छोटा होने लगता है उन 3 महीनों के दौरान। तो जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद र्यूमन दोबारा अपना साइज़ मतलब बढ़ाने लगता है। तो उस दौरान क्या होता है कि उसका साइज़ कम होने की वजह से र्यूमन के पैपिले की लेंथ और डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो नई जो गाय होती है, नई बियाई हुई गाय होती है, उसका जो डाइजेशन होता है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता, और उसकी एफिशिएंसी भी डाइजेस्टिव, उसे भूख भी कम लगती है इसी वजह से, क्योंकि उसमें पैपिले की डेंसिटी और नंबर कम हो जाते हैं। तो प्रेग्नेंट काओ में भी हम ब्यूटायरेट का सप्लीमेंट मतलब उसकी उसके बाद कर सकते हैं, या उन चीज़ों का सप्लीमेंट करें जो ब्यूटायरेट को बढ़ाते हैं, जैसे ग्रेन्स वगैरह। अब इसी तरीके से रेटिकुलम होता है, रेटिकुलम भी एक उसका पार्ट ही है र्यूमेन का, लेकिन उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है जैसे मधुमक्खी का छत्ता। इसका एक काम ये रहता है कि जैसे आपने वॉशिंग मशीन में देखा होगा, एक लिंट फिल्टर लगा रहता है, एक साइड में फ़िल्टर लगा रहता है। वो क्या करता है कि कोई भी चीज़ अगर मशीन में घूम रही है, या उसके धागे जो छोटे छोटे कपड़ों में से निकल जाते हैं, उन्हें फ़िल्टर करता रहता है, वो पाइप में फंसने नहीं देता। अब जैसे गाय या भैंसे भूसा खाती हैं, तो वो बल्क क्वांटिटी में होता है, हो सकता है उसमें कोई कील हो, कोई पत्थर हो, कोई कांटा हो, अगर उसे ऐसे ही खा लिया जाएगा तो वो अंदर जाके डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करेगा। तो कुदरत ने रेटिकुलम बनाया, रेटिकुलम में ये चीज़ें जाके फंस जाती हैं, मतलब उसे फ़िल्टर कर लेता है ऐसी चीज़ों को रेटिकुलम। तो रेटिकुलम का ये मेनली ये फंक्शन रहता है, और इसके अंदर बैक्टीरिया भी रहते हैं जो कि उसे डाइजेस्ट करते रहते हैं। रेटिकुलम के बाद जो फीड है वो ओमेसम में जाता है। अब क्योंकि इसमें जो फीड आता है ये काफ़ी लिक्विड टाइप का होता है, तो इसके अंदर जितनी भी ये पत्ते जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये है ओमेसम, ये ओमेसम है यहाँ तक, और ये इधर एबोमेसम है। तो ये उस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं यहाँ से, और जो आगे मटेरियल जाता है वो मेसम में, ये ट्रू स्टमक है, यहाँ पे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, यहाँ पर थोड़ा गाढ़ा मटेरियल जाता है, उसका फिर दोबारा डाइजेशन होता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है बाकी मटेरियल, फिर हमारी तरीके से ही डाइजेशन होता है गाय में भी एबोमेसम के बाद, जैसे हमारे अंदर होता है। ये यहाँ पर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अब आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया है कि बैक्टीरिया से होता है, तो अब हम आगे न्यूट्रिशन भी थोड़ा पढ़ेंगे इसका, तो उसमें देखेंगे हम। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल के अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छी अच्छी वीडियो और बनाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट एलिवेटरी विजडम पे भी लॉगिन कर सकते हैं। थैंक यू।